एक चीज़ ये जान लें कि कतई किसी भी तरीके से किसी का जोश ठंडा नहीं है। मौसम ज़रूर ठंडा हो गया है, लेकिन जोश ठंडा नहीं हुआ है। और दो चार दस दिन पंद्रह दिन के अंदर फिर से उसी हिसाब से खड़े हो जाया जाएगा, अगर व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो भी। ये निचले कर्मचारी से लेकर और मंत्रालय तक के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए सही और शुरू और सुचारू रूप से हमको 18 घंटे सप्लाई दे दें। न्यू स्टार पेश करते हैं 2023 का बम्पर धमाका ऑफर, अब मिलेगा सस्ते दामों पर प्लाट। श्री पकड़ी भुआर दौलताबाद ग्रैंड हुसैनाबाद बलरामपुर में। विवेक जी, आज कल जब से सर्दियां शुरू हुई हैं, सर्दियों में खासकर बिजलियों की आवश्यकता ग्रामीण अंचल के लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं होती है, शायद इसीलिए आज आवाज़ नहीं उठ रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो आजकल दिन में बिजली बिल्कुल भी रहती ही नहीं है। रोस्टिंग के नाम पे ये कटौती होती है या इसके पीछे कहीं कुछ और चल रहा है? बिल्कुल कुछ और चल रहा है। देखिए कारण क्या है, अब बिजली की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि कहीं चूल्हे पर खाना बना लिया, कहीं गैस सिलेंडर पर खाना बना लिया, कपड़ा कोई प्रेस करता नहीं गांव में, बिजली कौन सी आवश्यकता, अपना पंखा चलता है नहीं चलता तो उसमें इतनी तकलीफ होती है। कोई खरीफ की फसल का सींचन भी नहीं है जिसमें टुल्लू पंप वाले और ये लोग सींचें। और जब बिजली के लिए कोई शिकायत करिए आप, चाहे SDO से करिए, चाहे JE से करिए, चाहे जिससे करिए, तो लाइट आ जाती है। बस दो मिनट में दिखवा रहा हूँ, बस तीन मिनट में दिखा रहा हूँ, पाँच मिनट में दिखवा रहा हूँ, तो जो बिजली पहले बताने पर आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट में आ ही नहीं सकती थी, आधे घंटे उन लोगों को पता करने में लग जाते थे कि लाइट क्यों नहीं आ रही है, आज वही बिजली इनकी 10 मिनट में आ जाती है। तो सोचने का विषय है कि कुछ ना कुछ खेल विद्युत के साथ हो रहा है। और ये बड़े स्तर का है कि हम लोगों के हिस्से की बिजली, देखिए हम लोग के हिस्से में वैसे भी कुआनों के पानी ही आया है और तो कुछ आया नहीं है। बलरामपुर से हम जुड़े नहीं, हम हमेशा कहते रहते हैं, तो आपने दिया क्या हमको? हमको ब्लॉक भी दिया तो भी बलरामपुर में पानी से लटका हुआ, लाइट आप गोंडस दे रहे हैं, यदा कदा बिजली मिल रही है और उसमें भी पूरी तरीके से मिल नहीं रही है। और आज की डेट में हमने कल SDO महोदय को फ़ोन किया सवेरे, हमने कहा लाइट नहीं आ रही, उन्होंने बता दिया यार लाइट आ गई। एक और विशेष चीज़ बताएंगे, हम विधायक जी से मिले, उन्होंने हमारी किसी अधिकारी से बात कराई तो उन्होंने कहा 1.25 से 2.25, 1.5 से 2.5 या 3.25 से 5.25 या 2.5 से 4.25, इसमें लाइट नहीं कटती है, लाइट कटती है 3 to 5 कटेगी या 5 to 7 कटेगी या 7 to 9 कटेगी या फिक्स टाइम में कटेगी। तो ये जो समस्याएं बता रहे हैं ये सोचने वाली बात है कि अगर लाइट आपकी 2.25 to 4.25 में बताई जा रही तो इसका मतलब ये किसके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र है और कुछ ना कुछ सोचने की विषय है। अब जहाँ तक बात आती है हमारे अंचल के लोगों पर, उस पर तो एक चीज़ ये जान लें कि कतई किसी भी तरीके से किसी का जोश ठंडा नहीं है। मौसम ज़रूर ठंडा हो गया है लेकिन जोश ठंडा नहीं हुआ है। और दो चार दस दिन पंद्रह दिन के अंदर फिर से उसी हिसाब से खड़े हो जाया जाएगा, अगर व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो भी। ये निचले कर्मचारी से लेकर और मंत्रालय तक के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए सही और शुरू और सुचारू रूप से हमको 18 घंटे सप्लाई दे दें। यहाँ वहाँ दबी आवाज़ों में चर्चाएं चल रही हैं, जैसे आपने बिजली के लिए काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी आवाज़ें उठाई हैं, काफ़ी अंदर तक घुसे हैं, इनके लूपहोल्स वगैरह भी जाना है आपने, तो चर्चाएं ये चल रही हैं कि इन दिनों जहाँ बिजली की आवश्यकता ग्रामीण अंचल में बहुत नहीं है लोगों को, तो वही बिजली की खपत ये लोग पूरी की पूरी मिल्स में सप्लाई कर रहे हैं, ये कहाँ तक सच हो सकता है? अब दो बातें हैं इसमें, जैसे कल हमको सुबह जानकारी दी गई कि रेहरा ये सादुल्ला नगर का फीडर ख़राब था और उसको 4 घंटे रिपेयर होने में लगे, तो 8 से 9 लाइट आई, 9 बजे फीडर ख़राब हो गया, फीडर रिपेयर 1:25 पे हुआ, जोड़ने जा रहे थे 1:30 बजे लाइट चली गई, 2:30 बजे आएगी, तो सब मिला के सबेरे 8 से लेकर 2:30 बजे तक का 6.5 घंटे का पूरा स्पैन इन्होंने काट दिया। फीडर ख़राब हो रहा है, बन जा रहा है, कोई चर्चा नहीं हो रही, कुछ पता नहीं चल रहा है, इसके ऊपर कुछ जानकारी लेनी पड़ेगी और हमको आपको चल के वहाँ पर देखना पड़ेगा कि उनके रोस्टर में एंट्री क्या है, और नहीं होगा तो मैं कल या परसों में, सोमवार या मंगल में हम एक RTI डाल देंगे कितनी बिजली इस समय दी जा रही है, और यहाँ हम नोट करा ले रहे हैं, अगले एक हफ्ते बाद पूरे उस पर जाँच करा दी जाएगी कि कितनी सप्लाई आपने दी है, कितनी सप्लाई आपने नहीं दी दीजिए। और अगर हमारे लोगों के लिखे हुए हिसाब और रोस्टर में एंट्री मैच नहीं हुई तो इसका मतलब आपने बिजली अवैध तरीके से किसी एक व्यक्ति को या किसी एक संस्थान को विशेष लाभ पहुंचाने हेतु भेजी, और जिसके लिए पूरा विभाग और विभाग के अधिकारी जिम्मेदार बनाए जाएंगे, इसको लिख लें। ये थे विवेक श्रीवास्तव जिन्होंने अपनी बातें रखी। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से इस वक्त बिजली की कटौती हो रही है, हो ना हो कहीं ना कहीं बिजली की कालाबाजारी ज़रूर हो रही है, इसी कालाबाजारी को एक्सपोज करने के लिए हमारी इंडिया टाइम्स की टीम अब लग चुकी है। अब देखना यह है कि यह सच्चाई कब सामने आती है कि ये बिजली की खपत कहाँ और क्यों दे रहे हैं।
हैं।